अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द ग्रुप ऑफ ए यू बी। ए यू बी को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, मींस कि ए यूनिवर्सल सेट, बी जो आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपको मैंने करवा दिए थे। ए इंटरसेक्शन भी हम कर चुके हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस ए और डैश, जब इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट्री जब हमारे पास इस तरह का होगा सेट, तो हम उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसे देखेंगे कि इसको फाइंड आउट करने का कौन सा वे है, हम इसको किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट सेट होगा किसका, इस तरह ए डैश होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट होगा ए का। अब इसको देखेंगे हम इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, इसके मीनिंग्स होते हैं इट मींस ए माइनस आपने करना है ए की वैल्यू में से, आपने जो है ए डैश इस तरह का लिखा हुआ है, तो इट्स मींस कि आपको यू की वैल्यू में से माइनस करना है ए की वैल्यूज़ को। ठीक है, ये आपको क्या कहता है, ये आपको कहता है कि यू की वैल्यू में से आप माइनस कर दें ए को, मींस कि ए की सारी वैल्यूज़ जो है ना वो आपने निकाल देनी है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए पहले वही आपके कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से यू की वैल्यू में पहले ऊपर जो आपको दिए ये गिवन होती हैं वैल्यूज़, पहले आप यू की वैल्यूज़ में से राइट डाउन करेंगे 0 1 2 8 0 1 2 एंड देन डॉटेड डॉटेड 8। इसको माइनस करेंगे ए की वैल्यू से, राइट डाउन ए वैल्यू 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने U की सारी वैल्यूज़ माइनस कर देनी है A में से। ठीक है, U की सारी वैल्यूज़ A में से आपने माइनस कर देनी है, तो आपके पास क्या आएगा, पहले 0 0 माइनस हो गया, 1 2 3 भी माइनस हो गया, सो व्हाट इज़ रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है वो आप राइट डाउन कर देंगे, लाइक 3 के बाद 0 1 2 3 है पूरी A की वैल्यू, तो 4 से आपके पास आ जाएगा 4 5 6 7 एंड 8 इज रिमेनिंग, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए डैश की कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपका इस तरह का है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी, आपने ए में से किसकी वैल्यू को माइनस करना है, बी की वैल्यू को माइनस करना है। अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए की वैल्यू राइट डाउन करेंगे 0 1 2 एंड 3। ठीक है, 0 1 2 3 आ गया, माइनस बी की वैल्यू राइट डाउन करेंगे, आई हैवन रिटन द वैल्यू ऑफ बी, ओके द वैल्यू ऑफ बी इज़ 2 3 5 6, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ वैल्यू बी की 2, ये बुक में मेंशन है आपके वैल्यूज़, आपको खुद से नहीं कोई लिखनी, ये बुक में ऑलरेडी मेंशन है पेज नंबर 17 पे। ठीक है, बी की वैल्यू फिर आप राइट डाउन करेंगे 2 3 4 5 एंड 6, डन। अब आप ए को माइनस करेंगे बी में से, तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे ए को माइनस करना है बी से, मींस के ए क्या जो वैल्यू बचेगी बस आपने वो लिखनी है, तो ए में आपके पास 0 है, इधर 0 नहीं है, तो 0 इज़ रिमेनिंग। ठीक है, उसके माइनस का मतलब होता है जो चीज़ें हैं वो आपने नहीं, जो दोनों में सेम होगी वो नहीं लिखेंगे, जो बाकी रिमेनिंग बच जाएगा उसे लिखेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 1 2 3 है, तो 1 2 3 इधर से कैंसिल हो जाएगा, जैसे 1 में से 1 कैंसिल होता है, अब 0 इसमें है ही नहीं तो 0 आ गया, 1 नहीं है 1 भी आपके पास आ जाएगा, और 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 0 और 1 का जस्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल वे में होगी, इजी होगा आपके लिए, बाकी सारे इसके सेम हैं और जो है बहुत इजी पार्ट्स हैं। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू होगा रिगार्डिंग एनी पार्ट, तो आप उसको जो है मैसेजेस पे जाके आप मैसेज पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।